जय हिंद दोस्तों। जैसा आज मैं बात करने वाला हूं MACP यानी ACP के लिए, यानी मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, साहब मेरे को ACP 1 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या कारण हो सकते हैं और आपने चीजें क्या ध्यान में रखनी है। दोस्तों जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तब तक आप अपनी बात को सही तरीके से अपने सीनियर के सामने नहीं रख सकते। ये वीडियो, वैसे मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करता, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा, आप समझना। नहीं समझ में आता है प्लीज आप मेरे नंबर पर जाके मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, सर मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं, क्या होती है कंडीशन, आइए बात करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं मॉडिफाइड एसोट कैरियर प्लान, एक MACP अब ACP एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। इसका एम था कि जिसको फिजिकल प्रमोशन नहीं मिलता है उसकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड होती है, तो उसको फाइनेंशियल अपग्रेड किया जाए, उसके बराबर उसको उतनी तनख्वाह दी जाए। अब ये क्या चीज है, मोटा मोटा समझते हैं। जैसे हम समझते हैं 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए, ACP 1, ACP 2, ACP 3, यानी आप 3 का मतलब है 8 साल सर्विस, 16 या 24। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम हमारा जो इंप्लीमेंट है वो होता है सिपाही से लगा करके सुबेदार वाला। कुछ ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन हवलदार हैं, वो हवलदार से भर्ती होते हैं, तो उनके लिए हवलदार, नायब सुबेदार, सुबेदार के लिए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जाता है। सिपाही के लिए उसके लिए जाता है नायक, हवलदार और नायब सुबेदार के लिए। दोस्तों यानी हम किस तरीके से है डिटेल में, आइए हम बात करते हैं। बात यह करते हैं कि मैंने ये 8 साल में ना ही मैंने कोई कैडर किया है, कैडर किया और कैडर करवाना क्या चीज है, इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, समझने वाली बात है। आप यूनिट प्रमोशन रोस्टर में सीनियरिटी पे नहीं आ रहे तो आपको यूनिट प्रमोट कैडर नहीं कराएगी। अगर आपका कैडर में नंबर नहीं आया और आपकी 8 साल सर्विस हो गई तो आप एलिजिबल है नाइक के लिए, आप एलिजिबल है नाइक के लिए, आपको नाइक बनाया जाए। अब नाइक कब बनाया जाए, यदि आपका कैडर में नंबर है तो आपने उसमें अनविलिंग नहीं करना है, दूसरी चीज। और डिसिप्लिन क्राइटेरिया में आपकी रेडिंग एंट्री नहीं होना चाहिए, कोई रेफरीमेंट नहीं होना चाहिए आपके साथ, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे दो चीजें याद रखना। अभी आपने कैडर अनविलिंग इसलिए नहीं किया, ना तो मेरा कैडर में नंबर आया ना ऐसी मुझे कोई कंडीशन नहीं, तो आपको ऑटोमेटिक नाइक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसी में 8 साल रह जाते हो, 8 साल रह जाते हो, नहीं मिलता आपको हवलदार, तो सेम कंडीशन है, आपने नाइक तो बन गए, सारी चीजें नाइक की क्वालिफिकेशन कर ली आपने, और फर्दर आप 16 साल में एक और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा हवलदार का, उसमें भी सेम कंडीशन है। यदि आप नाइक टू हवलदार कैडर के लिए एलिजिबल हैं और आपका नाम आ गया और आपने कर दिया है अनविलिंग, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके लिए बोर्ड डिटेल होता है, बोर्ड उसमें आपका नाम कंसीडर होगा, फिर आपका डिसिप्लिन और बाकी क्राइटेरिया देखा जाएगा, आपका पार्टेड रोके रिकॉर्ड में जाएगा, रिकॉर्ड PUR को भेजेगा, PUR आपको पैसे देगा, तो ये समझना होगा। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट ईयर हवलदार, बहुत सारे कैडर क्वालिफाइड होते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता है, उनकी 24 साल सर्विस होती है, तो MACP नायब सुबेदार उन्हें मिल जाता है। इसी तरह एक और हमारे वार में इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन हवलदार का, उनको भी 3 मिल जाते हैं। दूसरी कंडीशन है आप एक ही रैंक में 8 साल स्टे कर जाते हो, करेक्ट बात है ना कि एक ही रैंक में 8 साल स्टे कर जाते हैं, यानी आप नायक बन गए, करेक्ट, ठीक है। अब हवलदार आपको 10 साल हो गए, तो यानी 8 साल के बाद आपको फर्दर जब भी होगा आपका टाइम वो ऐड हो जाएगा, यानी आप 5 साल में नायक बने, सपोज करो आप 5 साल में नायक बन गए, 5 साल में नायक बन जाते हो, तो 13 साल में आपको हवलदार वाला फाइनल अपग्रेडेशन मिलेगा, जरूरी नहीं तो 16 में मिले, 13 में भी मिल सकता है यदि आप 5 साल में नायक बन गए। तो ये सारे टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, सारा क्राइटेरिया है, इन दोनों के आसपास घूमता है, यहां बोर्ड बनता है, फिर क्या बनेगा आपका बोर्ड ऑफ अफसर डिटेल होगा, पार्टी ऑर्डर होगा, वो रिकॉर्ड में जाएगा, PUR में जाएगा, तब आपकी पे स्लिप में लग के आएगा। ये थी जानकारी किसके संबंध में, MACP और ACP। पसंद आए तो जरूर लाइक करें, और आपको कोई डाउट होता है प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के मुझे क्लिक करें, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। थैंक यू।